तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंगल डोर का फ्रिज हो चाहे आपका डबल डोर का फ्रिज हो, उसमें गैस अगर आप डलवाते हैं तो उसका कितने रुपए का खर्चा आता है, कितने रुपए की कैन आती है, सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि हर एक फ्रिज में हर एक प्रकार की गैस अलग अलग डलती है, ठीक है। तो उसका हर एक चार्जिंग अलग अलग होता है। तो इस वाले फ्रिज में मैं दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है R134, ठीक है। तो R134 की दोस्तों यहाँ पर आप लोग कैन देख सकते हैं, और लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं ये जो कैन होती है ये कितने रुपए की आती है और कितने रुपए की पड़ेगी, ठीक है। तो उसका कितना रुपया खर्चा आएगा, तो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को खोल कर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं R134, यानी कि ये जो हमारी कैन है ये हाइड्रोकार्बन की कैन है, ठीक है, R134। और इसमें कितने ग्राम आती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें लगभग दोस्तों 200 ग्राम गैस आती है, और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 600 रुपये की, यानी हमारी जो कैन है वो 600 रुपये की मिलती है। और फिर दूसरी बात, हमारा ये जो फिल्टर आप देख रहे हैं ये फिल्टर बदला जाता है, और यहाँ पर जो पिनवाल लग रहा है ये पिनवाल बदला जाता है, ठीक है। ये सारा टोटल मिलाकर दोस्तों अगर आपका खर्चा लगाया जाता है, यानी 600 रुपये ये और 25 रुपये ये और 25 रुपये ये, यानी कि दोस्तों 700 रुपये का खर्चा आता है। और मैकेनिक आपसे 1000 रुपये ले सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों 1000 रुपये लेने की, क्योंकि 300 रुपये भाई हर एक जगह मजदूरी चल रही है, यानी कि आधा दिन तो लग ही जाता। तो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं लें, 1000 रुपये अगर आपसे कोई ले रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, सिंगल डोर हो या डबल डोर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं अगली वीडियो में, बाय।